टिपिकल लो फ्रीक्वेंसी एंटीना। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस हैट है उसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि जो एंटीना की इफेक्टिव हाइट है उसे इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। और जो करंट है टॉप पे वर्टिकल रेडिएटर पे वो ज्यादा लॉन्ग में जीरो ना हो। इसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल कैप हैट होती है, और इसमें देखिए दो फॉर्म में जो हमारा वर्टिकल एंटीना है वो होता है। एक तो होता है इन्वर्टेड एल की फॉर्म में, ये जो फॉर्म है ये इन्वर्टेड एल की फॉर्म है, और दूसरा होता है टी की फॉर्म में, ये जो है ये टी की फॉर्म शो करती है। तो इन्वर्टेड एल और टी की टाइप्स के एंटीना होते हैं। अगर हमारा जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वर्टिकल रेडिएटर का, वर्टिकल जो मेस्ट होता है, वर्टिकल होता है जो कैप होती है उसमें हॉरिजॉन्टल वायर्स होती हैं। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है वर्टिकल रेडिएटर का, ये क्या होते हैं कि पर्टिकुलर लेंथ होती है, इफेक्टिव हाइट जो होती है उसकी वो 0.5 लैम्डा से 0.75 लैम्डा तक होगी। और इस देखिए क्या होता है कि जो कैपेसिटेंस हाइट होती है वो क्या करती है, इफेक्टिव हाइट को इंक्रीज करती है। और इसका एक और काम होता है कि ये जो सपोर्ट होते हैं, जो गाय सपोर्ट होते हैं उससे अचीव की जाती है, सपोर्टिंग किए जाते हैं। इसमें सपोर्ट कैसे होते हैं, देखिए इसमें एंड में दो सपोर्ट्स लगाए जाते हैं, ये सपोर्ट टावर होते हैं एंटीना के, और ऊपर जो होते हैं ऊपर इंसुलेटर होते हैं, और जिसके बीच में वायर्स होती हैं। ये जो होगी ये फ्लैट टॉप इसे कहा जाता है, और बीच में एक फीड वायर होती है, ये जो वायर होती है फीड वायर होती है, और टॉप से ग्राउंड के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है C1 से डिनोट किया जाता है, और जो फीड वायर है और ग्राउंड के बीच में जो कैपेसिटर होगा उसे C2 से डिनोट किया जाएगा, और जो हमारा फ्लैट टॉप और टावर के बीच में होगा उसे C3 से डिनोट किया जाएगा, और बाकी जो रेस्ट ऑफ C4 जो हमारे अर्थ सिस्टम में होते हैं, जो कैपेसिटेंस होते हैं वो हमारे अर्थ सिस्टम में होती है। अब देखिए इसमें अलग अलग कैपेसिटेंस आती है एंटीना में, ठीक है। तो जो C1 है, C1 कैपेसिटेंस जो कि जो फ्लैट टॉप और ग्राउंड के बीच में होगा, ये जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, एज लार्ज एज पॉसिबल उतने होने चाहिए। तो क्योंकि इससे पता चलता है कि जो हमारी इफेक्टिव हाइट है वो इंक्रीज होती है, और इफेक्टिव हाइट वर्टिकल एंटीना की ज्यादा ही होनी चाहिए, और C2 और C3 जितने स्मॉल हो सके उतने होने चाहिए, C2 और C3 जो हो वो स्मॉल होने चाहिए। अब देखिए C1 क्या है, जो कैपेसिटेंस है फ्लैट टॉप और ग्राउंड के बीच में, ये जो कैपेसिटेंस होता है इसे रेडिएटिव कैपेसिटेंस बोला जाता है। C2 जो कैपेसिटेंस होगा, ये जो लिड होती है, ये वाली फीड वायर लिड और ग्राउंड के बीच में होता है, इसे नॉन रेडिएटिव कैपेसिटेंस बोला जाता है। और जो C3 होता है, C3 जो टावर और फ्लैट टॉप के बीच में होगा, ये जो कैपेसिटेंस होता है इसे भी नॉन रेडिएटिव कैपेसिटेंस बोला जाता है। जो फ्लैट टॉप होता है वो इंसुलेटेड होता है, यानी कि फ्लैट टॉप के यहाँ पे इंसुलेटर लगे होते हैं जो ग्राउंड और टॉवर और फ्लैट टॉप को इंसुलेट करता है, ठीक है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है टॉवर और एंटीना के बीच में, जो कि प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो फीड लाइन होती है इसके बीच में, ये जो वायर है फीड वायर, इसके बीच में जो होती है वो फीड लाइन होती है, वो ग्राउंडेड होती है, उसे ग्राउंडेड होते हैं अर्थ ग्राउंडेड सिस्टम के साथ। और इसमें क्या है कि बिग रेडिएटिंग कैपेसिटी होती है, जो रूफ सिस्टम होता है वायर का, जो हमारे वायर्स होते हैं उसका कुछ एक जो पूरा ऊपर का सिस्टम होता है उसे रूफ सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें जो फ्लैट टॉप होता है उस पर 4 वायर्स लगी होती हैं, फ्लैट टॉप पे 4 वायर्स लगे, 4 वायर्स हैं, ठीक है, 4 वायर्स जो कि स्प्रेड होती हैं, यानी कि एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। इसमें भी कुछ कैपेसिटेंस होता है पैरेलल वायर्स के बीच में, इसी वजह से ये जो वायर्स होती हैं एक दूसरे से थोड़ा दूर होने चाहिए,
एक दूसरे के क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके जो भी वायर्स होंगे, बहुत सारी वायर्स को पास लगाने लगाने से ठीक है कि हम कुछ वायर्स को दूर दूर लगा दें, तो वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। और इसमें देखिए जो वैल्यू होती है C1 की, C1 जो इफेक्टिव हाइट को शो करता है, जो वैल्यू होती है C1 की, वो क्या करती है, वो सिर्फ इंक्रीज ही नहीं करती इफेक्टिव हाइट को, बल्कि रिड्यूस भी करती है वोल्टेज को एंटीना पे, जो रेडिएटेड पावर होती है। और लार्ज टॉप कैपेसिटेंस जो होता है वो डिजायरेबल होता है। इसमें जो एंटीना का इनपुट इम्पीडेंस होता है, बेस जो होगा, जो रेडिएटिंग प्लेट होती है अर्थ में जो होता है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, जो कि अलग अलग टाइम में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होगा वो शो करेगा। इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लेस करने के लिए इसमें ट्यून्ड आउट किया जाता है, यानी एंटीना मैचिंग की जाती है, सेम जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा जो है वो लो फ्रीक्वेंसी एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।